प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंका जी। आज का टॉपिक है ज्ञान और विवेक, नॉलेज एंड कॉमन सेंस। तो प्यारी सास संगत जी, ज्ञान को जो हम कर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो अवस्था विवेक कहलाती है। ज्ञान को कर्म में लेकर आना, विवेक का मतलब होता है समझदारी कि हम सूझवान हैं, हमारे मन में चेतना है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, और विवेक कहते हैं सोची समझदारी चेतनता को, जागरूकता को। जैसे अग्नि जला देती है और पानी से प्यास बुझती है, तो ये ज्ञान तो जानकारी है, लेकिन अगर अग्नि और पानी को सही तरीके से सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना विवेक। विवेक तो ज्ञान की परिपक्वता है, पराकाष्ठा है, ज्ञान का कर्म रूप है। और संत जन जो होते हैं विवेकी होते हैं, सूझवान होते हैं, ज्ञान को कब, कहां, कैसे और सही तरीके से इस्तेमाल करना ही विवेक है। तो ज्ञान तो हमारे पास बहुत है। ब्रह्मज्ञानी जितने भी संत हैं सभी ज्ञान के भंडार हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो हो जाता है उसके पास ज्ञान आ ही जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। जो परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं तो उनके पास ज्ञान का भंडार हो जाता है। अब जो रहता है मुंबई में उसने तो पूरा समंदर ही देखा हुआ है, लेकिन अगर कोई नॉर्थ इंडिया वाला जिसने नदी देखा है, तालाब देखा है, तो उसको हम पूछे समंदर के बारे में बताओ, तो वो अच्छी तरह से नहीं बता पाएगा। जिसने टीवी में समुंदर को देखा है या किताब में पढ़ा है, वो उस तरह समुंदर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मुंबई वाला बंदा है, जो रोज चौपाटी में जाता है, सी बीच पे जाता है, समुंदर की लहरों को देखता है, समुंदर का पानी भी उसने टेस्ट किया कि भाई खारा भी है, तो वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा। तो जो देखता है ना वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं ये परमात्मा को देखकर बातें करते हैं, महाज्ञानी होते हैं, घंटों घंटों बोलते हैं परमात्मा के बारे में। लेकिन अब बात आती है विवेक की कि हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन किस वक्त, कब, कहां हमें इस ज्ञान को इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में भी सद्गुरु माता जी हमें सिखा रही हैं। चेतनता के बारे में माता जी हमें बार बार समझाती हैं कि जीवन को जीना कैसे है, और जीवन को जीने का सलीका तभी आ पाएगा जब हमारे पास विवेक होगा, कॉमन सेंस होगा। ज्ञान को सही ढंग से इस्तेमाल करना ही विवेक है। ज्ञान को हम सही ढंग से इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो हम विवेकवान हैं, सूझवान हैं। दो पंखों के बल पर पंछी नभ से उड़ता जाता है, एक पंख कट जाए तो फिर वो नहीं उड़ पाता है। ज्ञान कर्म के संगम से ही जीवन की ऊंचाई है, एक पक्ष कमजोर अगर है बात न बनती भाई है। ज्ञान कर्म के संगम से ही भक्ति को श्रृंगार मिले, ज्ञान कर्म के संगम से ही मुक्ति का उपहार मिले। ज्ञान कर्म के संगम से ही हो सकता कल्याण है, कहे हरदेव सभी संतों का रहा यही फरमान है। कि ज्ञान को कर्म में लेकर आना ही तो विवेक है, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने हमें समझाया कि हम विवेकवान तभी हैं जब हम ज्ञान को कर्म में लेकर आते हैं। ज्ञान लिया पर ज्ञान का जिसने कभी नहीं उपयोग किया
उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ज्ञान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर क्षण सुमरन वाली जो जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कह हरदेव वो विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। तो ज्ञान को कर्म में अपनाने की बात हो रही है, टॉपिक है ज्ञान और विवेक। जब हम इस ज्ञान को, इस गुरुमत को जीवन में धारण कर लेते हैं, तभी जाकर हम विवेकवान हैं, हमारे पास विवेक है। ज्ञान और विवेक दो अलग नहीं है, विवेक प्रैक्टिकल रूप है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। माता जी कहती हैं कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, व्यवहारिक आध्यात्मिकता। तो ये विवेकी तो है, जिसके पास सूझ होती है, जो समझदार होते हैं वही तो विवेकी जन होते हैं, क्योंकि कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। दास कई बार वो एक स्टोरी ही बताता है कि एक पंडित जी नदी पार कर रहे थे, नाव में बैठे हुए थे, तो मल्लाह को बार बार पूछ रहे थे कि बेटा तुमने पढ़ाई कहाँ तक की। तो जो मल्लाह है, नाविक है, वो बोलता है कि पंडित जी मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। तो पंडित जी ने आगे से कहा कि बेटा तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार हो गई है, लेकिन अब जैसे ही वो जो नाव है बीच नदी में जाती है, और तभी मूसलाधार बारिश होती है, नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और वो नाव डगमगाने लगती है। तो नाविक ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आपको तैरना आता है क्या? तो पंडित जी बोलते नहीं बेटा, मैंने तो कभी तैरा ही नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तो आगे से नाविक बोलता है, पंडित जी लगता है आज तो आपकी पूरी जिंदगी बेकार होने वाली है, क्योंकि अगर नाव डूब गई तब तो फिर कोई नहीं बचेगा, जिसको तैरना आता है वही बचेगा। तो यहाँ भावार्थ यही है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, निंदा भी मैं करता हूँ, निंदा करने में मुझको बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की निंदा मैं करता हूँ। अगर मैं निंदा कर रहा हूँ तो फिर हमारा विवेक कहाँ गया? निंदा का रस बड़ा बुरा है, तो निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा तो निंदा मत कर बंदे। निंदा और चुगली की बातों से जो सस्ती महफिल है, क्यों क्यों आदत के बस बंदे उस महफिल में शामिल है। ना सुननी ना करनी निंदा, संतों का फरमान है ये, निंदा से मन मैला होगा अपना ही नुकसान है ये। मीठा एक जहर है निंदा, क्यों इसको अपनाता है, जहर तो आखिर जहर है, एक दिन अपना असर दिखाता है। कहे हरदेव अगर निंदा से बाज नहीं तो आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। तो हमें निंदा से दूर रहना है, जिनके पास विवेक होता है ना, वो कभी निंदा नहीं करते हैं, हमेशा मीठी और मधुर वाणी का इस्तेमाल करते हैं। वाणी मधुर नहीं है तो फिर चुप ही रहना अच्छा है, कटु वचनों को कहने से तो कुछ ना कहना अच्छा है। वाणी करकर से तो भी बात नहीं बन पाती है, मधुर वचन कहने से बिगड़ी बात सफल बन जाती है। वाणी के कारण ही कोयल सबके मन को भाती है, खूब चहकती मधुर वचन से औरों को चहकाती है। गुरु की शिक्षा से रचना पर आ जाती मधुरता है, कहे हरदेव मधुरता से ही जीवन की सुंदरता है। अगर हमारे मन में मधुरता है तो हम विवेकी जन हैं। अगर हम सबसे मीठा मीठा बात कर रहे हैं, सबसे प्रेम के साथ में रह रहे हैं, तो हमारे मन में विवेक है। लेकिन अगर मैं केवल कोरी कोरी बातें कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, और रत्ती भर भी कर्म हमारे जीवन में नहीं है, तो फिर हमारे पास विवेक भी नहीं है।
तो प्यारी सत संगत जी, विवेक जागृत अवस्था है, जाग जाना, ज्ञान को लेने के बाद जाग जाना, जागरण, जागृत अवस्था। विवेक जिसके मन में है वो बंदा सोझवान है, वरना अविवेकी से ही ये भरा हुआ जहान है। पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रहा इंसान है, जिस टहनी पर बैठा उसको काट रहा नादान है। भले बुरे की आदमी ना कर पाया पहचान है, कदम कदम पर किए जा रहा अपना ही नुकसान है। दुख वाले रास्ते में सुख का भी रखता अरमान है, कितना बेखबर है देखो ये कितना अनजान है। कहे हरदेव जो संत जनों का मान रहा फरमान है, विवेक वाला जन है वही और उसका ही कल्याण है। यहाँ पर बाबा जी अच्छी तरह समझा रहे हैं कि विवेकी जन कौन है, जो सूझवान है, जिसके पास समझदारी है, जिसके पास चेतना है, जो ज्ञान को जी रहा है, जिसके पास विवेक है उसको ही मुक्ति मिलती है। कोरा ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है। दिल विशाल होता है, सोच विशाल होती है, क्योंकि मन में निराकार होता है। तंग दिली से क्या जीता है, विशालता को तू अपना, सोच को अपनी विशाल कर तू दिल को बड़ा विशाल बना। तंग दिली से नफरत आती, प्यार नहीं आ पाता है, बंदे को बंदा दुनिया में फूटी आंख नभाता है। विशालता है जहां वहां पर, मजहब ना जात है, विशालता से ऊंच नीच की छोटी लगती बात है। विशालता है जिसमें उसका अपना कुल संसार है, सकल जगत को मान रहा वो अपना ही परिवार है। विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी, कहे हरदेव की और जतन से तंग दिली ना जाएगी। तो बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर विशाल बनो, तंग दिली से हटो, दिल को बड़ा बनाओ, सोच को बड़ा बनाओ। तो ये अवस्था तब प्राप्त होगी जब हम विवेक के साथ जीवन को जिएंगे, हमारे पास विवेक होगा तो हम इस कोरे ज्ञान से बचे, ज्ञान को कर्म में लेकर आए। यही हमें सदगुरु बार बार समझा रहे हैं। ज्ञान वाली मन में अपने ज्योत जगाना धर्म, ये बंधन से इस आत्मा को मुक्त कराना धर्म, ये जन जन पर करुणा बरसाना प्रेम लुटाना धर्म, ये दुख ना देना दूसरों को सुख पहुंचाना धर्म, ये प्रीत प्यार का सुंदर सा एक जहां बसाना धर्म, ये सारी धरती को रहने के योग्य बनाना धर्म, ये इंसानों को इंसानों के करीब लाना धर्म, ये वैर मिटा के दिल से दिल का मेल कराना धर्म, ये मानवता का हर मानव को पाठ पढ़ाना धर्म, ये भाईचारा मिलवर्तन का ही भाव सिखाना धर्म, ये बंदे को बंदे से मिलाना धर्म और ईमान, ये प्यार को ही हरदेव बढ़ाना धर्म और ईमान, ये यहां पर बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि जब हम ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे, कर्म में लेकर आएंगे, हमारे पास विवेक होगा, तभी हम दुनिया को एक सुंदर रूप दे पाएंगे। इस संसार को हम स्वर्ग बना पाएंगे। तो प्यारी सत संगत जी, आइए हम ज्ञान को कर्म में लेकर आए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सूझवान बने, समझदार बने, परिपक्व बने। हम कहते हैं ना, पक्के संतों का संग करना है, ओल्ड इज गोल्ड, जिनके पास अनुभव है, ऐसे पक्के अनुभवी संतों का संग करें। और जिन्होंने इस ज्ञान को जिया है, ऐसे लोग का संगत करें, पक्के संतों का संग, जो हमें केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं और हमें मजबूती देते हैं। तो हमने ऐसे संतों का संग हमेशा करना है और भ्रम भुलेखे से बचना है, क्योंकि अगर हमारे पास केवल ज्ञान है और विवेक नहीं है तो भी हम ज्ञान लेने के बाद भी भ्रम में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, अंधविश्वास पाखंड में फंस जाते हैं। तो हमेशा कोरा ज्ञान
बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे न हाथ से जब तक काम न कोई कर पाए, चरण धूलि न मिले संत की, जो मन में सत्कार न हो, ज्ञान कभी ने दिल में टिकता जो गुरु पर इतबार न हो, कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं, अवतार पांच प्रण जो न माने शब्द बोध हो सकता नहीं। शहंशाह जी ने हमें पांच प्रण दिया, समझाया कि इस ज्ञान को कर्म में लेकर आओ। पांच प्रण देने का मतलब यही है कि कर्म में जीना है, ये ज्ञान है। मैं तुम्हें ज्ञान तो दे रहा हूं लेकिन पांच प्रण भी दे रहा हूं, जब इस पांच प्रण को प्रैक्टिकल जीवन में लाओगे तब जाकर ज्ञान जीवन में उतरेगा, अगर ये पांच प्रण नहीं मानोगे तो ज्ञान जीवन में नहीं उतरेगा। तो पांच प्रणों को मानना ही विवेक है। जो संत होते हैं पांच प्रण का पालन भी करते हैं। अगर तन मन धन हमने परमात्मा को मान लिया कि परमात्मा का ही है, मन बेचे सतगुरु के पास इस सेवा के कारज रास, तब जाकर ये निरंकार हमारा है। अगर तन मन धन हमने पूरी तरह सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, समर्पित हो गए हम, गुरु के हवाले हो गए, लेकिन अगर ज्ञान लेने के बाद भी हमारे मन में ये अभिमान है कि ये तन मेरा, धन मेरा, मन मेरा, तो ज्ञान फिर गुरु के पास जाता है। मान मुनि मुनिवर गले मान सबे को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। तो हमें सूक्ष्म अहंकार से भी तो बचना है, क्योंकि हमें ज्ञानी होने का अभिमान भी हो जाता है कि मुझसे अच्छा तो प्रवक्ता कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा विचारक कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा तो गीत कोई गाता ही नहीं है। जब मैं स्टेज में बैठता हूं तो लोग मुझे इतना नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार गुरु को होती है, पूजा गुरु की होती है, गुरु ने कृपा की कि अपनी सीट पर बिठा दिया, सेवा दी, सेवा बख्श दी, तो हमने कभी भी सेवा का भी अभिमान नहीं करना है। तो परिसा संगत जी जिनके पास विवेक होता है ना, वो कभी अभिमान नहीं करते हैं। अगर हमारे पास आज भी ज्ञान लेने के बाद भी अहंकार है, अभिमान है, तो मैं विवेकी नहीं हूं, मेरी भी हालत तो पंडित की तरह होगी। दास ने जो कहानी बताई कि बीच नदी में वो नाव डूबने वाली है, तो पंडित बोलते हैं कि मुझे तैरना ही नहीं आता है, तो तैरना जिसके पास विवेक नहीं हो तो तैर ही नहीं सकता है, वो तो डूब ही जाएगा भवसागर में। तो ये जो भक्ति है ना बहुत कठिन है, भक्ति वही कर सकता है जिसके पास विवेक होता है। दास बार बार कह रहा है कि कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं है, अगर मैंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया तो मुझे केवल ज्ञान लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे ज्ञान को जीना पड़ेगा, और ज्ञान को जीने का नाम ही विवेक है। विवेकी जन ही इस ज्ञान को जीते हैं। तो प्यारे सत्संग जी आइए, खुद को टैली करें इस ज्ञान के साथ, निरंकार के साथ, कि मेरे अंग संग निरंकार है तो क्या इसके जो गुण है वो मेरे पास हैं? मैंने इसको अपने जीवन में अपनाया, क्या ज्ञान के मुताबिक मैं जी पा रहा हूं? अगर जी पा रहा हूं तो मुबारक है, अगर नहीं जी पा रहा हूं तो पैरिसा संगत जी अपने आप को सुधारना है, संवारना है, खुद को सुधारना है, क्योंकि जो जिनके पास विवेक होता है वो खुद को ही सुधारते हैं, वो दूसरे को उपदेश नहीं देते हैं, दूसरे को ज्ञान नहीं देते हैं, पहले अपने अंदर झांकी मारते हैं कि मैं सुधरा क्या, मुझ में सुधार आया क्या। तो बातें तो जितनी भी हम करेंगे उतना कम है, बस जरूरत है कर्म की, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो सद्गुरु माता जी कृपा करें, सभी को शक्ति दें, भक्ति करने की शक्ति दें, कि हम सभी इस ज्ञान को कर्म में लेकर आए, सभी का सत्कार करें, सभी से प्रेम करें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां मैनु बख्श लो जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां मैनु बख्श लो जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां मैनु बख्श लो जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां मैनु बख्श लो जी। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी सत्संग जी बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी।